नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी। आज मेरे साथ आप देख पा रहे हैं आज मैं क्या करने वाला हूँ। आज संडे का दिन है, आज मैं अपनी फैक्ट्री आया हूँ और मशीनों से देखिए डिटर्जेंट पाउडर तो बनती ही है, लेकिन आप आज मैं आपको जो है ना जेन्युइन तरीके से बिल्कुल एक जो हर एक व्यक्ति जो गांव में होता है, ग्रामीण होता है, उसके पास मशीनें नहीं होती हैं, कोई भी संसाधन नहीं होता है, तो वो कैसे बिना मशीनों के जो है अपने हाथों से ही, देखिए ग्लव्स भी मेरे हाथ में लग रहे हैं, अपने हाथों से ही अपने घर में डिटर्जेंट पाउडर हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, यानी कि बहुत सारे क्लीनिंग के जो आइटम आते हैं उनको वो अपने घर में बिना मशीनों द्वारा बना सकता है। आज मैं आपको वही चीज़ बना के बताऊँगा और कौन कौन से इसमें रॉ मटेरियल लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बारी बारी अभी मेरे साथ देख पा रहे हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें मिला के भी बताऊंगा। और दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, क्योंकि देखिए आज इतना बड़ा दौर बेरोज़गारी का चल रहा है, इस बेरोज़गारी के दौर में आदमी अगर अपना स्वयं का रोज़गार स्थापित करे और वो भी अपने घर में, ये जो ग्रामीण महिला हैं जो भी बेरोज़गार हैं वो अपने घर में, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर घर की ज़रूरत है, मरेंगे जब तक चाहिए, आप सोच सकते हैं, ये इनकी कोई ऐसी कोई एक्सपायरी डेट तो है नहीं जो ख़राब हो जाएंगे, हर घर की ज़रूरत है। आज मैं आपको वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे साथ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज आपको डिटर्जेंट पाउडर का जो फॉर्मूला है बहुत शानदार फॉर्मूला देने वाला हूँ और क्या क्या रॉ मटेरियल से आप अपने ही घर में, रॉ मटेरियल अपने आसपास के क्षेत्र में मार्केट में मिल जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगने वाली हैं मैं आपको बताता हूँ। और एक विशेष सूचना भी दे देता हूँ आपको कि काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट 18 दिसंबर 2022 को हापुड़ में, जी हाँ, यूपी के हापुड़ में, ये जो क्लीनिंग आइटम है 10, जैसे डिटर्जेंट पाउडर, हैंड वॉश, डिस्पोज फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर वगैरह, इन सब की फ्री में ट्रेनिंग देने वाला है हापुड़ में, जिसमें इनकी सबकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ डिप्लोमा भी दिया जाएगा और जिसमें आदमी अपना रोज़गार शुरू कर सकता है। आप सबका स्वागत है, पधारिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट का एक उद्देश्य भी है कि 2025 तक 500,000 रोज़गार पैदा करने हैं, वो भी आप काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के जो YouTube, Facebook चैनल है वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं सारी चीज़ों की और क्या क्या है। 200 नए नए बिजनेस आइडिया भी काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वीडियो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको फ्री में बिजनेसमैन बनाने वाला हूँ, ठीक है। आइए, तो डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं, देखिए 100 किलो डिटर्जेंट बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप 100 से 1000 किलो का भी बना सकते हैं, 100 से 1 किलो का भी बना सकते हैं, रेशो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो लगने वाली जो चीज़ है आप इधर दिखा दीजिए, मैं तो आपको 200 किलो बना के बता रहा हूँ लेकिन मैं 100 किलो का फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उसको डबल कर सकते हैं, 1000 किलो बनाएंगे तो उसका आप उसी हिसाब से मेजरमेंट करके कर सकते हैं। ये देखिए सोडा है, सोडा आस, ये बिल्कुल लाइट वेट आता है इसका, आप देख सकते हैं 100 किलो में ये सोडा आस जो है वो 30 किलो जाने वाला है, हम लोग 30 किलो मिलाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो नमक, दिखा दीजिए, ये नमक है पूरा 50 किलो का कट्टा है, ये देखिए नमक, ठीक है, ये आपको 100 किलो में कितना मिलाना है, 40 किलो, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ है डोलामाइट, ये डोलामाइट आता है, ये पत्थर का पिसा हुआ जो आता है ना बारीक, चूना बुरादा जो भी है, ये बहुत सस्ता आता है, ठीक है। इसके बाद में जो चीज़ लगने वाली है, तीन चीज़ें पाउडर फॉर्म में हो गई, सोडा, नमक और आपका हो गया डोलामाइट, ये तीनों चीज़ें कितनी कितनी लगेंगी, 100 किलो में 30 किलो आपको सोडा लेना है पाउडर, 40 किलो नमक लेना है, ठीक है, जो आम तौर पे नमक होता है खाने वाला, 70 किलो हो गया, और 20 किलो लेना आपको डोलामाइट, ये सिर्फ वजन बढ़ाने का काम करता है, 90 किलो हो गया। अब उसके बाद में आपको लेना है, इधर आ जाइए,
एसिड स्लरी, जी हाँ एसिड स्लरी आपको 10 किलो लेनी है। ये ब्लैक कलर में होता है, थोड़ा थोड़ा सुनहरे टाइप पे जो है, ये आपको 10 किलो ले लेना है। और इसके बाद में लेना आपको SLES, ठीक है। ये SLES फॉर्मिंग का काम करता है, झाग वगैरह इसी से होता है। ये आपको 8 किलो लेना है, बहुत शानदार फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। और जो आपको लेना है कास्टिक, ये देखिए ये आपको 1.5 किलो लेना है 100 किलो में, ठीक है। वैसे ये 3 किलो है, मैं आपको 200 किलो का फॉर्मूला बता रहा हूँ। और उसके बाद में लेना आपको CBSX, देखिए ये CBXX है और ये काफ़ी महंगा आता है, ये शाइनिंग का काम करता है कपड़े में। ये मात्र आपको 20 ग्राम लेना 100 किलो में। और उसके बाद लेनी है आपको परफ्यूम, ठीक है। परफ्यूम लेनी है आपको लगभग 250 ग्राम, आपको 250 ग्राम लेनी है 100 किलो में। और लास्ट में आपको मिला देने हैं दाने, जी हाँ दाने। हमने ये 200 किलो के हिसाब से सारा मेजरमेंट किया है। ये दाने आते हैं कलरफुल दाने जो आते हैं, वैसे ये नमक के दाने हैं, ठीक है। ये आपको 3 किलो 100 किलो में मिला सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ डिटर्जेंट बनाने की, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे साथ साथ आप फ्री में बिजनेसमैन बनिए, क्योंकि मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। उन बेरोजगार जो भाई हैं अपने, उन लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। मेरी वीडियो देख के मुझसे संपर्क करके आप जो है अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। देखिए साथियों, 200 किलो का जो है फॉर्मूला बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है आपको सोडा आस लेना है, ठीक है। ये हमारे फैक्ट्री के संचालक हैं जो यही काम देखते हैं पूरा। आज इनको खुद काम करना पड़ रहा है क्योंकि संडे है, आज इनकी लेबर भी चली गई, छुट्टी रखते हैं ये। ये आपने कितना लिया है? 50 किलो। 50 किलो लिया है, यानी कि हम लोग 25 किलो मिलाते हैं, आप 25 से 30 किलो मिला सकते हैं। वैसे फॉर्मूला 30 किलो का होता, ठीक है। आप अपने हिसाब से क्वालिटी घटा बढ़ा सकते हैं। हम लोग 50 किलो में 50 किलो जो है सोडा लिया है, 200 किलो बना रहे हैं। ये क्या है? नमक। नमक ये कितना है? 50 किलो। 50 किलो। टोटल नमक कितना आएगा? 90 किलो। 90 किलो यानी कि 45 किलो आपको 100 किलो के हिसाब से लेना है। और पूरा ये 90 किलो नमक डाल रहे हैं, 50 किलो सोडा, 90 किलो नमक, यानी कि 140 किलो वजन तो आपका हो चुका है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए साथियों, क्योंकि आज आपको हकीकत दिखा रहे हैं हम लोग। मशीनों से तो हम बनाते ही हैं, लेकिन हर किसी के पास मशीन होती नहीं है, तो क्यों ना हम बिना मशीन के आज बना के बताएं। हो गया ना 90? देखिए 50 किलो हो गया आपका सोडा और 90 किलो नमक। अब तीसरी चीज़ क्या लेनी है? डोलोमाइट। डोलोमाइट ये कितना ले रहे हो? 40 किलो। 40 किलो दिखा दो। ये 41 किलो, 1 किलो हटा देना है। अब ये आपका हो गया टोटल वज़न 170 किलो। ये डोलोमाइट मिलाया जा रहा है जो बिल्कुल पत्थर का होता है, बस वज़न बढ़ाने का काम आता है, इसका कोई रोल नहीं होता है डिटर्जेंट में, ठीक है। आज देखिए मैं खुद आपको डिटर्जेंट बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा यही रहता है कि जो है हर घर आत्मनिर्भर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही चीज़ पहुँचे।
क्योंकि सही चीज़ पहुंचेगी तो उनको कोई कठिनाई नहीं आएगी अपना काम करने में, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं सरकार ने युवाओं के लिए चला रखी हैं, बेरोजगारों के लिए चला रखी हैं, उनका वो लाभ ले सकते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको आसानी से मिला लेंगे आपस में, डोलोमाइट सोडा और नमक। ध्यान रहे हमेशा इसमें जो है ना ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। मैं उन सभी ग्रामीण महिलाओं से जो हमारी सदस्य हैं ट्रस्ट की, उन्हीं के कहने पर देखिए मैंने ये पूरा 200 किलो का बैच बनाया है, क्योंकि वो बार बार मुझे बोल रही थी, कमेंट कर रही थी कि आप सर हमें ये बताइए कि हमारे पास मशीन तो है नहीं तो कैसे करें, एक बार बना के बताइए ताकि हम लोग आसानी से काम कर सकें। तो इसलिए मैंने उन्हीं के कहने पर ये सारा वीडियो बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये आपको CBSX जो पानी में मिला लेना है, 100 किलो में मैंने बताया आपको 20 ग्राम लेना है। अभी हम 200 किलो का बैच बना रहे हैं जो आसानी से हम लोग 40 ग्राम मिला रहे हैं, और ये कपड़े में शाइनिंग का काम करता है। ये आपको पानी में अच्छे से घोल लेना है, और घोलने के बाद में एसिड स्लरी में इसको अच्छे से मिला देना है ताकि ये आसानी से डिटर्जेंट पाउडर जो हम बना रहे हैं उसमें मिल सके। जब स्लरी को हम ये जो तीन जो हमारे हमने मिलाए थे पाउडर सोडा नमक और डोलोमाइट, उसमें जब हम स्लरी को मिलाते हैं तो देख पा रहे हैं आप कि पूरी तरह से ये फान आ गया है इसमें, यानी कि रिएक्शन हुआ है। एसिड स्लरी को जब हमने मिलाया तो इसमें पूरा रिएक्शन हो गया, और देखिए पूरा एक बबल टाइप हो गया, और ये पूरा एक देख सकते हैं आप, इसको बड़े ध्यान से मिलाएं, ग्लव्स का इस्तेमाल देखिए ज़रूर करें, और बहुत ही शानदार क्वालिटी बनने वाली है। अब हमने जो 3 किलो कास्टिक लिया था उसमें पानी मिलाते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद उसको आसानी से मिलाएंगे। इसमें भी आपको ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये 3 किलो कास्टिक को हमने पानी में लगभग 4 लीटर पानी लिया है और इसको आसानी से मिला रहे हैं। अब हम ले रहे हैं SLES, ये डिटर्जेंट में फोमिंग का काम करता है, झाग यही बनाता है, और आप देख सकते हैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है कास्टिक की, जो हमने पानी में मिला के पहले से रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब लास्ट में हम लोग मिलाते हैं कास्टिक। कास्टिक को अच्छे से मिलाना ग्लव्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, कहीं शरीर पर अगर लग गई बॉडी में तो ये नुकसान पहुंचा सकती है।
अब मिलाते हैं हम दाने। अब देख सकते हैं ये कलरफुल दाने हैं, और कलरफुल दाने ये नमक के दाने होते हैं, बस इनका काम होता है एक अच्छा दिखाना, डिटर्जेंट जो बना हुआ है उसको अच्छा दिखाना, और बस रंग बिरंगे ये दाने हैं नमक के दाने, ये तुरंत पानी में घुल जाते हैं। अब हमारा जो 200 किलो सर्फ है वो बनकर तैयार हो गया है, अब बस उसको छानेंगे, क्योंकि ये जो डलियां पड़ जाती हैं केमिकल की, इनको आप छान के बिल्कुल अलग कर सकते हैं, और आपका जो सर्फ है वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मिलाना चाहें तो कोई कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं तो कोई कलर ऐड करता नहीं हूँ, बिल्कुल वाइट डिटर्जेंट देता हूँ, और बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत दूर दूर तक जाता है। अब बस इसको छानेंगे, देखते रहिए। आप देख सकते हैं कितनी शानदार क्वालिटी की सर्फ बनी है, ये बिल्कुल सर्फ एक्सल जैसी क्वालिटी बनकर तैयार हुई है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन भाइयों के लिए। अब लास्ट का जो स्टेप है वो बस आपको परफ्यूम मिलानी है, और जो पूरी हमने जो डिटर्जेंट बनाई थी उस पर ऐसे छिड़क देना है जो आसानी से पूरी मिल सके। रेशो मैंने आपको बता ही दिया है, 100 किलो में आपको लगभग 250 ग्राम मिलानी है, बहुत शानदार खुशबू आएगी। मैं तो लेमन की खुशबू मिलाता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी मिला सकते हैं। अब आप अपने ब्रांड में ये जो हमने माल बनाया है डिटर्जेंट पाउडर उसको भर सकते हैं, और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप 1 किलो में, 2 किलो में, 3 किलो में, आधा किलो में, कोई भी पैकिंग में आप अपना माल भर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बहुत शानदार बिजनेस है, और इसमें आप बहुत सारा स्कोप है, लंबा चलने वाला बिजनेस है, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। अब बिल्कुल अंत में बारी आती है पैकिंग की, आप हैंडमेड भी पैक कर सकते हो, बेल्ट सीलर से भी पैक कर सकते हो, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन से भी पैक कर सकते हो, ये आपके बजट पे निर्भर करता है। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ, हैंडमेड तरीके से बता रहा हूँ, बिना कोई मशीनों के आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। आज मैंने आपको बहुत शानदार जानकारी के साथ, उम्मीद करता हूँ और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन भाइयों के लिए, उन बेरोज़गार ग्रामीण महिलाओं के लिए, सभी के लिए शेयर करिए। और आप ये वाला बिजनेस और भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया में बताने वाला हूँ, तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारी योजनाएँ और जानकारी के साथ बहुत बड़े बड़े बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।